our first business in New Zealand. So yeah. Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Arun और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में. ये वीडियो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा different और special रहने वाला है. और ये वीडियो एक हम काफ़ी टाइम से, एज़ यू नो कि अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम से हम एक चीज़ में लगे हुए थे. मैंने आपको बताया था कि जब वो डन हो जाएगी तब मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा आपके साथ. सो यस, फाइनली वो चीज़ डन हो चुकी है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए, क्योंकि अब जो भी मेरी YouTube फैमिली है वो एक हमारा एक कनेक्शन है. आप मेरे रेगुलरली वीडियोस देखते हो, काफ़ी लोग मेरे को यहाँ पे मिलते हैं न्यूजीलैंड में. तो मैंने ये ठीक समझा कि यस, जो चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है, जो स्पेशल चीज़ हो रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है. सो यस, हियर आई एम ऑफिशियली अनाउंसिंग दैट वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट बिजनेस. ऑलरेडी स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टेड, वी आर स्टार्टेड आवर फर्स्ट बिजनेस इन न्यूजीलैंड. तो या ये एक चीज़ मैं प्लान करके आया था इंडिया से कि कभी ना कभी अपना बिजनेस होगा न्यूजीलैंड में. तो बस एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत हमने कर दी है. तो अभी आप क्लिप्स देखो. यस, तो आई होप कि ये वीडियो क्लिप्स आपने देख ली होगी. जो एक्चुअली मेरा अगर पिछले से पिछला वीडियो आप रिफ़र करेंगे तो जब मैं हैमिल्टन गया था, मैंने उसके पहले एक वैन परचेस की थी. तो यस, ये जो पीछे पार्क है वो यही वैन है जो कि मैं हैमिल्टन गया था इसको वर्क वैन में कन्वर्ट कराने के लिए. सो एक्चुअली आप देख सकते हो कि हमने जो बिज़नेस शुरू किया है, सबसे पहले तो वो बता देता हूँ, हमने जो बिज़नेस शुरू किया है वो है लॉन मूविंग का बिज़नेस. आप देख सकते हो कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये मेरे घर के पीछे इतनी ज़्यादा लॉन है, यहाँ पे है, अगर दूसरे घर जो सामने है वहाँ पे भी इतनी सारी लॉन्स है. एक्चुअली न्यूजीलैंड का सीन ये है कि यहाँ पे बहुत सारा लॉन है, मतलब जो घास होता है ना वो है, फिर प्लांटेशन होते हैं. तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं. और अब ये देखो, इतनी बड़ी जो लॉन है उसको मेंटेन भी तो करनी है. तो यहाँ पे अपना जो बिज़नेस है वो काम में आता है, लॉन मूविंग करने के लिए, जो गार्डन है उसको मेंटेन करने के लिए. तो उस चीज़ का बिज़नेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसके लिए वैन चाहिए, प्रॉपर टूल्स चाहिए. तो उस सारी चीज़ में हम लगे हुए थे. तो अभी मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि नॉर्मल वैन को हमने वर्क वैन में कैसे कन्वर्ट किया, कौन कौन सी चीज़ें हमने, कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं. पर उससे पहले एक लाइक बनता है इस वीडियो को, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन लाइक्स का रेशियो बहुत कम हो रहा है. तो यस, ऑब्वियसली बात है कि पहला बिजनेस हमने स्टार्ट किया है न्यूजीलैंड में, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिखेंगे कमेंट्स में, आई नो. तो उसके साथ लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना. देखो, तो जब हमने वैन ली थी ना, तो ये वैन कुछ ऐसी थी, इतनी सारी स्पेस होती है, पीछे भी दो रो सीट्स की होती है, जिसको हमने ऐसे आगे फोल्ड कर दिया था और साइड पर फोल्ड कर दिया था जस्ट टू सी कि इसमें स्पेस कितनी बचती है. तो स्पेस तो काफ़ी थी. तो फिर धीरे धीरे हमने सेकेंड रो और थर्ड रो पूरी निकाल दी और जो पीछे का जो पार्ट है उसको कम्प्लीटली फ्लैट कर दिया, जिसके ऊपर वुडन फ्लोरिंग भी आएगा बाय द वे. सो दिस इज हाउ आवर वैन लुक्स. हमने ये फ्रेंचाइज ली है क्योंकि इस बिज़नेस में हम नए हैं, तो हमको सीखना है, हमको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है. तो लॉन राइड करके एक कंपनी है जिसकी हमने ली है फ्रेंचाइजी. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑफर करते हैं सर्विसेज, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. सबसे पहले तो इसको हम ओपन करते हैं. एक्चुअली ये काफ़ी मैसिव कार है और आप ये देखो, पहले यहाँ पे सीट हुआ करती थी जो अब नहीं है, क्योंकि सीट जो है वो हमने निकाल दी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको इसमें फिट करनी थी. तो या ये सारे टूल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ. और देखो ये क्लैडिंग कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पे भी ग्रास की क्लैडिंग कर दी है. तो या सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मूव द लॉन इज दिस लॉन मूवर. तो ये होंडा कंपनी का लॉन मूवर है, इसमें पेट्रोल है शायद, हाँ. तो ये जो है वो ऐसे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे इसके लीवर्स है, तो इसको आपको ऐसे धक्का मार के चलाना है. लाइक अगर यहाँ पे इसको आप रखोगे, एक्चुअली मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप डिफरेंस नोट कर पाए
देखो ये साइड की जो लॉन है ना वो हमने मूव करी है जब इसकी ट्रायल चल रही थी, और ये जो लॉन्स है वो मतलब ऐसी ही है एज इट इज़ है। तो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप डिफरेंस पता कर पाएंगे कि ये जो दो पट्टे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे लॉन मेंटेन करी गई है और ये ऐसे ही है। तो यस, ये जो लॉन मूवर जो है वो ऐसे चलता है, लाइक आपको उसको धक्का दे के आगे ले जाना पड़ता है, और वो नीचे उसके ब्लेड्स लगी हुई होती है जो अपना जो लॉन है वो कट करती है। फिर ये जो साइन है आप काफ़ी बार देखते हो, अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये साइन लगाना ज़रूरी है। फिर ये बैग्स है, या ये डंपिंग बैग्स है कि जब आप लॉन कट करेंगे तो उसका जो वेस्ट है वो आप ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, तो उसको इसमें भरना है और फिर डंप करना है। ये है ब्लोअर, या ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक का ब्लोअर है। उसका फोर्स काफ़ी बहुत तगड़ा फोर्स आता है कि जो भी यहाँ पे साइड पे जो आपने लॉन कट की है और जो यहाँ साइड पे रहती है उसको वो ब्लो करके एक कोने में जमा कर देता है। और ये है, आई थिंक ये हैच कटर है, वो जो आगे आपको दिख रहा है ना, तो ये जो एकदम बारीक बारीक ऐसे जो लाइन को मेंटेन करना होता है ना वो सारी चीज़ें उससे होती है। तो या दिस इज़ द टूल। छोटे मोटे बहुत टूल्स हैं, जैसे देख लो ये हथौड़ी हो गई, ये कटर हो गया, ऐसे बहुत। हाँ, और ये जो अपना ये हेडफोन नहीं है, ऐसा नॉइस कैंसलिंग का है, क्योंकि ये बहुत आवाज़ करता है भाई, तो इसको आपको पहनना पड़ता है जब आप लॉन मूविंग करते हो। एक्चुअली मैं अभी तक गया नहीं हूँ, बट मेरा प्लान है एक दिन कि मैं भी जाऊँ लॉन मूविंग करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसे मेहनत वाला काम है और हमने ऐसा काम कभी किया नहीं हुआ होता है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है यूज़ टू होने में। देखो तो एक बार आप इस पैम्फलेट को देख लो, इसमें सारी चीज़ें हैं कि हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और नीचे यहाँ पे आपका हमारा नंबर भी मेंशन है। ये नाम है पीयूष कुमार, उसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके, सो द थिंग इज़ कि बेसिक सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जो टूल्स है वो दिखा दिए, जो हमारी वर्कमैन है वो दिखा दी है। अब बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो ये जो लॉन मूविंग का बिज़नेस है वो मेरे भाई और उसके फ्रेंड ने, जो आपने यहाँ पे नाम पढ़ा, पीयूष कुमार, पीयूष भाई, दोनों ने साथ में मिल के एज अ जॉइंट वेंचर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। तो हम सब लोग इसमें अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट देंगे, क्योंकि ये बिज़नेस हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो उसको एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पैसा तो इन्वेस्ट किया ही है, साथ में टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर जाके वो धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो होगा। तो अब बात करते हैं हमारी सर्विसेज के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मेरा वीडियो जो है वो देखते हैं न्यूजीलैंड के बाहर से, लेकिन न्यूजीलैंड से भी लोग देखते हैं। तो हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है लॉन मूविंग, हेजिंग, गार्डन मेंटेनेंस, वीट कंट्रोल एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं हमारी सर्विसेज के थ्रू। सो या न्यूजीलैंड से जो ये वीडियो देख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा और मैंने वीडियो में भी आपको दिखा दिया है। तो अगर इसमें से कोई भी सर्विसेज की आपको ज़रूरत है तो यस, गिव अस अ कॉल, वी विल गेट इन टच विथ यू। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके ब्यूटीफुल थॉट्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अरुण।